हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की मंगोड़ियों की सब्ज़ी। मंगोड़ियाँ हम स्टीम करके बनाएंगे। एक मैंने 1 कप मूंग की दाल ली हुई थी, जिसको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ था। उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर हमने इसको पीस लिया है। 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर, इनको भी पीस के रखा हुआ है। 1/4 टीस्पून हम सोडा ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 3 टेबल स्पून ऑयल है, 2 बड़े साइज़ के प्याज जिनको बारीक पीस के रखा हुआ है। अगर आप प्याज पसंद नहीं करते हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकती हैं। 1/2 कप हमने दही लिए हुए है, इसको हम फेंट के यूज़ करेंगे। ये हमने पानी लिया हुआ है बड़ियों को स्टीम करने के लिए। सबसे पहले हम दाल को फेंट लेंगे। हम इसको हाथों से फेंटेंगे। एक साइड हम पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे। दाल में बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, 1/4 से थोड़ा ज़्यादा। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हाथों को मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ है। दाल को हमें तब तक फेंटना है जब तक हमारी दाल फ्लफी ना हो जाए। दाल हमारी बहुत लाइट वेट सी की हो चुकी है, फ्लफी। अब हम इसको बढ़िया बनाएंगे। एक हम ठंडा पानी लेंगे एक बाउल में, हाथों को ठंडे पानी में डिप करते हुए इस तरीके से बढ़िया उठाएंगे। इसी तरीके से एक आप हम जाली ले लेंगे जो हमारे बर्तन में सेट हो जाए। अब हम छोटी छोटी साइज़ की बढ़िया उतारेंगे। सभी बढ़ियों को इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे। इस पर सभी बड़ियों को बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट बाद इनको चेक कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, बड़ियों को हम एक बार चेक कर लेंगे। बढ़िया हमारी हो चुकी हैं, अब हम इनको अलग निकाल लेंगे। बड़ियों को एक एक करते हुए हम अलग निकाल लेंगे इनको प्लेट में और गैस को ऑफ कर देंगे। बढ़िया अच्छे सभी बड़ियों को हमने अलग निकाल लिया है। अब हम बड़ियों की सब्जी बनाने के लिए तड़का तैयार कर लेंगे। एक पैन लेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा और हींग ऐड करेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें कद्दूकस की हुई प्याज, प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। प्याज हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को 2 मिनट के लिए इसी तरीके से भून लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे, थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हाफ कप पानी ऐड किया है हमने। फ्लेम को लो कर देंगे और इसको कुछ देर के लिए
ढककर छोड़ देंगे जिससे ग्रेवी में घी अलग हो जाए। स्पून से हम दही को फेंट लेंगे। ग्रेवी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है, ग्रेवी से घी अलग हो चुका है। फ्लेम को लो रखेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब दही के साथ टमाटर भी ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और ग्रेवी को पकने देंगे अच्छे से। फ्लेम को लो रखेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। ग्रेवी को चेक कर लेंगे। ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें बढ़िया ऐड कर देंगे। बढ़िया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दस से पंद्रह मिनट के लिए अब हम इनको इसी तरीके से ढककर पका लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। सब्जी को चेक कर लेंगे एक बार। सब्जी हमारी हो चुकी है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। मूंग दाल की स्टीम बड़ियों की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको पूरी पराठे और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।